हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आफ्टर स्कूल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन क्लास 5 का बुक का चैप्टर 1 द सेंटेंस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बुक में द सेंटेंस का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग द सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कम्प्लीट सेंस। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कम्प्लीट सेंस बनाता है। स्टडी द गिवन सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए। दिस पेंटिंग इज ब्यूटिफुल, ये पेंटिंग बहुत ब्यूटिफुल है, ये एक एसरेटिव सेंटेंस है। वॉट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, इस बुक का क्या प्राइस है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग दैट ब्यूटिफुल पेंटिंग, वो ब्यूटिफुल पेंटिंग को इधर लाओ, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, कितना अच्छा गाना है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देर आर फोर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, असरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। नंबर 1, असरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन असरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट या फिर एक असर्शन बनाता है उसे असरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसका वर्ब होता है। जैसे शी हेल्प्स द नीडी, वो जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनकी मदद करती है। ही डजंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो एक क्वेश्चन के बारे में पूछता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब। यस और नो वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले होता है एक ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या तुम इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो। नेक्स्ट है WH क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वन ऑफ दीज वर्ड्स। व्हाट, विच, हु, हुम, हूज, व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ। जितने भी क्वेश्चंस के स्टार्टिंग का दो लेटर WH होता है वो हमेशा व्हाट, विच, हु, हुम, हूज, व्हाई, वेयर, व्हेन या फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं। इन सब का स्ट्रक्चर होता है, पहले एक इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो एक कमांड या फिर रिक्वेस्ट को बताता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आता एक वर्ब, फिर आता ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे थैंक यू, हेयर द सब्जेक्ट आई इज अंडरस्टूड। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। जो पहला सेंटेंस है वह थैंक यू, इसमें पता चल रहा है कि वो हमें कह रहा है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें पता चल रहा है कि जो बोल रहा है वो किसी और के बारे में बोल रहा है जो उसके सामने है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटिफुल पिक्चर इट इज, कितना ब्यूटिफुल पिक्चर है ये। हाउ लवली द गार्डन इज, कितना सुंदर गार्डन है ये। हाउ वेल शी डांसेस, कितना अच्छा वो डांस करती है। इन सब का स्ट्रक्चर होता है व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। और नेक्स्ट वाले में है हाउ प्लस एडजेक्टिव स्लैश एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। फ्रेमिंग क्वेश्चंस, यहाँ पर दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग क्वेश्चंस में बदलेंगे। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, इसका क्वेश्चन होगा वेयर डज ही लिव। शी विल कम इन द इवनिंग, इसका क्वेश्चन होगा व्हेन विल शी कम। नेक्स्ट है आई नीड 500 रुपीज फॉर द टॉर। हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर द टॉर। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, हाउ मच वाटर इज देयर इन द जग। द चाइल्ड इज क्राइंग एज ही इज हंग्री, वाई इज द चाइल्ड क्राइंग।
He is writing a letter. What is he writing? I want that blue shirt. Which shirt do you want? I go to school by school bus. How do you go to school? So thanks for watching, and if you like this video then please consider subscribing to our channel. It helps a lot. Thank you. Subscribe please.